जो लोग एनडीए में हैं उनको वाई प्लस सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन जो लोग एनडीए में नहीं हैं और सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का काम करते हैं उन पर भले ही गोलियां चले चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाएगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। ताज़ा खबर ये आया है कि जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। ये सुरक्षा केंद्र सरकार ने उन्हें दिया है क्योंकि वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। क्या वाई प्लस सुरक्षा पाने के लिए इतना ही काफी है कि आपको एनडीए में शामिल हो जाना है? अभी हाल ही में ले लें कि चंद्रशेखर आजाद रावण पर गोलियों से हमला हुआ था, 4 बार गोलियां चली थी, उनको गोली लगी भी थी, हालांकि गोली छूकर निकल गई थी और जान को कोई खतरा नहीं हुआ था, जिसके बाद से भीम आर्मी के तमाम लोग लगातार चंद्रशेखर आजाद के लिए वाई प्लस सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उसके बाद बीजेपी के एक नेता ने सामने आकर ये भी कह दिया कि नहीं देंगे सुरक्षा, क्या करेंगे, उनको कोई भी सुरक्षा नहीं दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अभी संतोष सुमन को हाल ही में वाई प्लस सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। तो थोड़े समय पहले संतोष सुमन नीतीश कैबिनेट में थे, नीतीश कुमार के कैबिनेट में वो अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाल रहे थे, लघु सिंचाई मंत्रालय भी संभाल रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद वो एनडीए में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि संतोष मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये हिंदुस्तान अवाम मोर्चा कुछ समय पहले नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में हुआ करता था। जब ये गठबंधन में थे तब संतोष सुमन जो कि नीतीश कैबिनेट में अल्पसंख्यक मंत्री हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय पहले आपको पता होगा कि नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, एकजुटता का मिशन लेकर चल रहे हैं और लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग मंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसी दौरान उनके पार्टी से, उनके गठबंधन से एक पार्टी टूट गई और ये है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन थे और ये नीतीश कुमार के कैबिनेट में मिनिस्टर भी हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय पहले इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और जाकर एनडीए में शामिल हो गए, जिसके बाद इन्हें वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। वही सवाल यही है कि चंद्रशेखर आज़ाद को वाई प्लस सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जबकि ये मांग लगातार चल रही है, उन पर गोलियां चली, उनकी जान को खतरा है, फिर भी वो लगातार अपने कामों को कर रहे हैं। और रही बात ये गोलियां इसलिए चली क्योंकि वो पिछड़े वर्गों को, दलितों की आवाज़ उठाते हैं, सत्ता पक्ष से केंद्र मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और लगातार दलितों और पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए उन पर गोलियां चलाई गई। गोली चलाने वाले आरोपी भी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं और वो चारों आरोपी ठाकुर समाज से आते हैं, उछले वर्ग से आते हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि वो उनके खिलाफ जो बोलते हैं इस वजह से वो नाराज थे और इस वजह से उन्होंने गोलियां चलाई, वो चाहते थे कि उन्हें जान से मार दें, लेकिन खैर गनीमत ये रही कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ और गोली बस छूकर निकल गई थी और वो अभी ठीक है, लेकिन अपनी आवाज़ उठाना अभी तक उन्होंने बंद नहीं किया है। गोली लगने के बाद और लगातार लोगों से मिलते रहे, आवाज़ें भी अभी भी उनकी आवाज़ बुलंद है, लोगों की, पिछड़ों की आवाज़ अपनी उठा रहे हैं। लेकिन वही बात करें अगर वाई प्लस सुरक्षा की, बीजेपी के एक मंत्री ने सामने आकर कह दिया कि उनको कोई भी सुरक्षा नहीं दी जाएगी। कई लोगों ने ये भी कहा कि वाई प्लस सुरक्षा पाने के लिए चंद्रशेखर ने अपने आप पर जानबूझकर खुद ही हमला करवाया ताकि सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, लेकिन बाद में जब आरोपी पकड़े गए तो इसका भी खुलासा हो गया
कि उन्होंने नहीं कराया था, ये एक वर्ग के लोग हैं जो ऊंचे वर्ग से आते हैं, उन्होंने उनकी बातों से नाराज होकर उन पर गोलियां चलाई थी, उनका मकसद यही था कि उनको जान से मार देना है। अब आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को वाई प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इसका फैसला आपको करना है। और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।